अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट कलेक्शन। आज आपके लिए लेकर आए हैं DIY आइडियाज़, जिसमें हम आइसक्रीम स्टिक को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह की उसकी शेप्स क्रिएट करेंगे, डिफरेंट तरह से उसे आइडियाज़ बनाएंगे कि हम किस तरह आइसक्रीम स्टिक को अपनी क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह उनसे खूबसूरत फ्लावर बना सकते हैं, उनसे उनके ऊपर पेस्टिंग कर सकते हैं, उनसे फ्लावर बना सकते हैं, उन पर स्टार लगा सकते हैं, या उनसे किस तरह हम उन्हें अपनी क्लासरूम में डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही ईजीली दिखने वाले आइडियाज़ हैं जो कि हम अपनी क्लासरूम में बना सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एक्टिविटी प्लान करें तो उसमें आप आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी अगर आप उन्हें वर्ड सिखाना चाहते हैं अलिफ बे से रिलेटेड, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड, तो आप इनके ऊपर वन बाई वन पेस्ट कर सकते हैं। या स्टूडेंट्स को वेलकम बैक के अगर कार्ड्स देना चाहते हैं तो वेलकम बैक आइसक्रीम स्टिक के ऊपर लिख कर आप साथ में पेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इजीली बनने वाले आइडियाज़ हैं कि हमने किस तरह आइसक्रीम स्टिक को अगर रीयूज़ करना है, इसको रिसाइकलिंग में लेके आना है, तो आप इन पे पेंट कर सकते हैं। क्लासरूम में इन्हें किस तरह डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, इनसे किस तरह हैंड की शेप और इन पे किस तरह पेंटिंग करके आप पेंट करके इन पे पेंटिंग बना सकते हैं। बहुत ही इजीली बनने वाले आइडियाज़ हैं कि आप किस तरह अपने घर में, अपने क्लासरूम में इन्हें बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत ही आसान और बहुत ही इजी बनने वाले आइडियाज़ दिखाए जा रहे हैं कि आपने किस तरह अपनी क्लासरूम को और अपने घर को डिकोर करना है आइसक्रीम स्टिक को यूज़ करके। स्टूडेंट्स को अगर कोई एक्टिविटी प्लान करनी है तो आइसक्रीम स्टिक किस तरह उनमें यूज़ हो सकती है। अगर आप हेलोविन के कोई थीम को लेकर चलना चाहते हैं तो वो आप किस तरह आइसक्रीम स्टिक को पेस्ट करके उन पे वियर्ड फेसेस बना सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को पूरा एंजॉय करें।